अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सीरीज में अहम किरदारों के जाने के बाद कौन शामिल होगा? उस्मान बे निकोला पर कौन सा बड़ा जाल बिछाएगा? मालून हतून की आमद के बाद बालातून का क्या होगा? क्या तारून हतून सीरीज को अलविदा कहने वाली है? क्या उस्मान बे आने वाली किस्त में कबीले में छुपे जासूस को मार डालेंगे? तो इन तमाम सवालात के जवाब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा, मगर इससे पहले आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कुरुलस उस्मान सीरीज के 45 किस्त के एक मंजर ने बहुत अहम तफसीलात बताई। बाजंतीनी दुश्मनों के खिलाफ नया मंसूबा तैयार करने वाले उस्मान बे ने जबरदस्त इकदाम किया। तो फिर ये इकदाम क्या था? कोई निसार तैकफूर का इस्तेमाल करते हुए उस्मान बे बहुत अहम इकदाम करेंगे। उस्मान बे का पहला इकदाम बाजंतीनी गवर्नरों को एक दूसरे के खिलाफ करना था। उस्मान बे दिगर बाजंतीनी कुवतों का इस्तेमाल करके निकोला के खिलाफ एक बहुत बड़ा जाल बिछाएंगे। इस तरह बाजंतीनी कुवतें आपस में जबरदस्त जंग के मंजर पेश करेंगी। तहम उस्मान बे एक और इकदाम करेंगे जो इनके दरमियान खलल डाल देगा। उस्मान बे योरगोस का इस्तेमाल करते हुए कबीले में छुपे जासूस का पता चलाएगा और इस तरह सीरीज की अगली किस्म में हम समझते हैं कि कुमार इद्रीस काई कबीले में बतौर पोप का जासूस है, इसका इंकशाफ किया जाएगा। हमारे तजे के मुताबिक ये किरदार सीरीज को अलविदा भी कह सकता है, क्योंकि उस्मान बे ने कभी गद्दार को माफ नहीं किया। इसके अलावा एक और हैरतअंगेज मौजू जिसका तस्करा उस्मान बे ने सीरीज के गुज़िश्ता किस्म में किया था। हमने आपको इससे पहले भी बताया था कि उस्मान बे एक नई फौज कायम करेंगे और ये फौज जल्द ही सामने आ जाएगी। इस तरह हमने देखा कि उस्मान बे ने सीरीज की 45 किस्म में इस फौज के बारे में बात की। उस्मान बे जिसने यौलिक अरसलान के साथ मिलकर मजबूत फौज कायम की, ये ऐसा काम करेंगे जो सबको हैरान कर देगा। आप अनकरीब देखेंगे कि उस्मान बे की कायम करदा ये फौज बाजंतीनी और मंगोल दोनों के खिलाफ एक अहम जंग लड़ेगी। दूसरी तरफ आखिरकार ये वाज़े हो चुका है कि सीरीज के एक इंतहाई मुतवक्का किरदारों में से एक मलहून हतून का किरदार कौन अदा करेगा। कामयाब अदाकारा यिल्दिज़ चारा तिक्सो मालून हतून के किरदार के लिए कास्ट की गई है। आप देखेंगे कि यिल्दिज़ चारा तिक्सो सीरीज को बहुत अच्छी तरह सूट करेगी और अपना किरदार बहुत कामयाबी के साथ अदा करेगी। तो इस तरह इस किरदार की कारकर्दगी आपको हैरान कर देगी। मालून हतून के किरदार की आमद के साथ ही ये तजस्सुस की बात है कि बालातून के साथ क्या होगा। बहुत से नाज़रीन का ख्याल है कि बालातून सीरीज को अलविदा कहेगी, ताहम इस पर हम आपको बता दें कि कुछ ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मालून हतून की आमद के साथ ही बालातून इस सीरीज को नहीं छोड़ पाएगी। इसके बरक्स वह इन दोनों किरदारों में अपना किरदार जारी रखेगी। इस तरह सीरीज में मालून हतून का किरदार एक अहम जोश खरोश पैदा कर देगा। सीरीज में सबको हैरान करने वाले मनाजिर में से एक मंजर तारून हतून का था। गोकतुक का दस्तावेज को आयनकोला को न देने की हिमायत के बावजूद तारून हतून खेमे से बाहर निकलने में कामयाब रही। सीरीज में तारून हतून के किरदार की कहानी खत्म हो रही है, लिहाजा हम तवक्को करते हैं कि तारून हतून का किरदार सीरीज को बहुत जल्द अलविदा कहेगा। जी नाज़रीन, आज की वीडियो बस यहीं तक थी। उम्मीद आपको पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो आप तक बरवक्त नहीं पहुँच रही तो बेल आइकॉन लाजमी प्रेस कर लें ताकि हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बरवक्त पहुँचता रहे। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।